हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किस तरीके से आप अपना एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। ये प्रॉब्लम आई थिंक सभी फेस करते होंगे क्योंकि आजकल जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा ही गर्म है, उसकी वजह से एक्वेरियम का जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा, वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। सो इसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सो इसके लिए आप चिलर्स यूज़ कर सकते हैं, फैंस यूज़ कर सकते हैं, चिल्ड बॉटल यूज़ कर सकते हैं। सो मैं सबके बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं वाटर बॉटल के ऊपर। सो आप इस टेक्निक के लिए किसी भी टाइप की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई पानी की बॉटल लेते हैं और उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं, और उसके बाद आप इस तरह से कोई भी बॉटल ले सकते हैं एंड उसको फ्रीज़ कर देते हैं, एंड उसके बाद आप अपने एक्वेरियम के ऊपर डाल सकते हैं। सो यूजुअली इससे काफ़ी देर तक मेंटेन तो रहता है टेम्परेचर, काफ़ी टेम्परेचर में फॉल आता है, बट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देता क्योंकि आइस आफ्टर ऑल मेल्ट हो जाती है, और जब पानी रोटेट होता रहता है तो मेल्ट होने की स्पीड भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इस वजह से ये आपको मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे तक ही रिलीफ दे सकता है, उसके बाद आपको दोबारा बॉटल चेंज करनी पड़ेगी। सो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। दूसरा होता है वाटर चेंजेस के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप दिन के टाइम पे वाटर चेंजेस करते हैं गर्मियों में तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, एंड सर्दियों में अगर आप वाटर चेंज करते हैं तो वो आप रात के टाइम पे करिए। इसके पीछे रीज़न क्या होता है मैं वो रीज़न भी बताने वाला हूँ। सो दिन के टाइम पे जो वाटर का टेम्परेचर होता है एक्वेरियम के वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप वाटर चेंजेस करते हैं तो उससे पानी के टेम्परेचर में गिरावट आती है, एंड यही चीज़ अगर आप सर्दियों में रात में रिपीट करते हैं तो उससे रात के टाइम पानी का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है सर्दियों में। सो अगर आप तब वाटर चेंजेस करते हैं तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बट आप वाटर चेंजेस भी एक लिमिट तक कर सकते हैं तो उसके लिए भी वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप आता है चिलर्स का। जैसे कि आप सभी जानते होंगे चिलर्स काफ़ी महंगे पड़ते हैं, अगर आप नॉर्मल एक सिंपल सा एक्वेरियम सेटअप करते हैं तो उसके लिए चिलर्स आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो अगर चिलर आप लगाते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, तो वो बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो एक्वेरियम का पानी बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं उसका टेम्परेचर। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी जगह आप फैंस यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपके पास एक्वेरियम जो है वो अगर छोटा है 3 फुट तक का, तो उसके लिए आप इस टाइप का सीपीयू फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। ये सीपीयू फ़ैन आपको किसी भी कंप्यूटर शॉप से मिल सकती है। यूजुअली ये 200 से 300 रुपए तक का आता है, बट अगर आप किसी यूज्ड पार्ट वाली दुकान से लेंगे तो वो आपको मैक्स टू मैक्स 30-40-50 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। सो इस सीपीयू के फ़ैन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये सीपीयू का फ़ैन चाहिए, आपको AC-DC कन्वर्टर चाहिए होगा एंड थोड़ी वायर चाहिए होगी। सो इस फैन को यूज़ करके आप अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ ये कैसे काम करता है। अगर आप अपने टेम्परेचर के अपने एक्वेरियम के ऊपर कुछ ऐसा फ़ैन लगाएं या ऐसा कुछ प्रोडक्ट लगाएं जिससे ऊपर एक्वेरियम के टैंक के ऊपर का वाटर का फ्लो बढ़ जाए, सो उससे जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो भी इम्प्रूव होती है, और उसके साथ साथ वेपोरेशन भी इम्प्रूव होती है, और उसके साथ साथ पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। सो अगर आपका टैंक छोटा है तो आई थिंक 2 फैन से काम हो जाएगा। अगर आप 1 फ़ैन भी लगा के ट्राई करते हैं तो उससे भी काफ़ी टेम्परेचर में फ़र्क आता है। जैसे कि आप ये मेरा टैंक देख रहे हैं, इसमें भी मैंने कुछ दिनों पहले 1 फ़ैन लगाया, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगी वाटर टेम्परेचर में। सो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप ये फ़ैन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये आप फ़ैन किसी भी सेकेंड हैंड रिपेयर शॉप से ख़रीदते हैं तो आपको ये काफ़ी चीप रेट्स में मिल जाएगा। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ करते कैसे हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ैन, इसी तरह मैंने एक दूसरा फ़ैन अपने एक्वेरियम के टॉप पे लगा दिया। ये एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप ये एक्वेरियम के टॉप पे सीधा लगाते हैं तो उसका इतना यूज़ नहीं रहेगा, जबकि अगर आप टेढ़ा लगाते हैं तो उससे इतना रहेगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इस वायर को मैंने ये कन्वर्टर से कनेक्ट कर रखा है, जो कि डायरेक्टली मेरा पावर प्लग में स्विच हो रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ैन अगर मैंने अपने एक्वेरियम में लगाया हुआ है तो उससे वाटर के
ऊपर का जो एक्वेरियम के ऊपर का टॉप लेवल का जो पानी है उसमें काफ़ी मूवमेंट रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस मूवमेंट की वजह से जो पानी का ऊपर का सरफेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैस एक्सचेंज चलता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियम के लिए बेनिफिशियल होता है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको कहीं पर भी अटैच कर देना है। एंड ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये टेढ़ा लगा हो एटलीस्ट 30-40 डिग्रीज के एंगल्स पे, तभी ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा। एंड अगर आपके पास कुछ कैबिनेट है एक्वेरियम का तो आप उसमें इस तरह लगा के इसको छुपा भी सकते हैं। सो ये सबसे चीप एंड बेस्ट तरीका है अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन करने का। थैंक यू सो मच।